हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जी के फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे जो मैकेनिक डीजल के जो क्वेश्चन आएंगे, जो टॉपिक्स हैं, जो पार्ट बी में जो रेलवे ALP टेक्नीशियन के, उनकी बात करेंगे। इससे पहले चार वीडियो बना सका हूँ, ये पांचवा वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी टू द कॉरस्पॉन्डिंग ईयर स्टैंडर्ड साइकिल इफिशियंसी इज कॉल्ड। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं रिलेटिव इफिशियंसी, याद रखना रिलेटिव इफिशियंसी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इज यूज फॉर द इंसुलेटिंग बॉडी ऑफ ए स्पार्क प्लग। तो इसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए करते हैं हम एल्यूमिना। सेकेंड वाला आंसर होगा बी वाला, एल्यूमिना। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडवांटेज ऑफ प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर। तो इसका आंसर होगा डी वाला, ऑल ऑफ द अबव। प्रॉपर फायरिंग ऑर्डर रिड्यूस फ्रिक्शन, सॉरी वाइब्रेशन को रिड्यूस करता है, मेंटेन इंजन बैलेंसिंग, स्मूथ पावर फ्लो, पावर फ्लो को समान रूप से स्मूथ फ्लो पावर इज सिक्योर्ड। ये तीनों होंगे, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, नंबर ऑफ सन गियर एंड डिफरेंशियल। जो गाड़ी में डिफरेंशियल होता है ना, उसमें कितने सन गियर होते हैं, उसमें होते हैं टू, बी वाला ऑप्शन होगा सही, टू होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ प्लानेट गियर इन डिफरेंशियल, तो ये भी टू होते हैं, इसका आंसर होगा बी वाला, प्लानेट गियर। इस तरीके से होता ये अरेंजमेंट, जैसे कि ये सन गियर दिखा रहा है, ये एक ही ये होगा प्लानेट और एक होगा ये, तो ये दो दो, तो मैंने बताया था अभी दो होते हैं सन गियर, दो प्लानेट, तो ये हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेट्रोल इज डिस्टिल्ड। तो डिस्टिलेशन जो आपको पता होगा, उस पर जो अपन क्या कंपोनेंट जो को अलग अलग करते हैं फ्रॉम ए लिक्विड मिक्सचर से एट डिफरेंट टेम्परेचर, वो आपको पता होगा डिस्टिलेशन प्रोसेस होती क्या है। तो पेट्रोल इज डिस्टिल्ड एट ए टेम्परेचर इन रेंज ऑफ, तो इसका आंसर होगा बी वाला, 40 to 160 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर पर डिस्टिल करते हैं पेट्रोल को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डीजल ऑयल इज डिस्टिल्ड एट ए टेम्परेचर इन रेंज ऑफ, तो इसका आंसर होगा सी वाला, 250 से 350 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बन यार्ड इक्वल टू इंचेस, तो बन यार्ड में कितने इंचेस होते हैं, ये होते हैं 36 इंच से, बन यार्ड में 36 इंचेस, इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्कूटर फिंस आर प्रोवाइडेड ओवर इंजन सिलेंडर फॉर, तो फिंस काय के लिए प्रोवाइड करते हैं, वो करते हैं कूलिंग के लिए, इसका आंसर होगा डी वाला, बेटर कूलिंग के लिए। ये आपने इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए प्रोवाइड करते हैं फिंस को। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला, क्यूपोला फर्नेस में जो प्रोडक्ट निकलता है बाद में लास्ट में जाके उसको, मतलब वो क्या है, वो है कास्ट आयरन। तो जो प्रोडक्ट हमको मिलता है वो क्या है, कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में 2 to 5% कार्बन होता है, मतलब इतना परसेंट कार्बन होता है उसमें, तो इसका आंसर क्या होगा, कास्ट आयरन होगा, कास्ट आयरन में 2 to 5% कार्बन होता है, याद रखना प्रोडक्ट ऑफ क्यूपोला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रैंकशाफ्ट इज मेड ऑफ, क्रैंकशाफ्ट फोर्ज स्टील की भी बनी होती है, कास्ट स्टील, मतलब ये दोनों की बनती है, इसमें से किसी ना किसी, मतलब बनी होती है इसकी, या तो फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन, तो इसका आंसर होगा बोथ ए एंड बी, या तो फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन, तो दोनों आंसर होगा इसका बोथ ए एंड बी, फोर क्रैंकशाफ्ट इज मेड ऑफ फोर्ज स्टील एंड कास्ट आयरन। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम और शिफ्ट वॉल्यूम इज द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड बाय द पिस्टन इन, तो इसका आंसर होगा सी वाला, बन स्टोक जोस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है कनेक्टिंग रोड कनेक्ट, तो कनेक्टिंग रोड किसको कनेक्ट करती है, कनेक्टिंग रोड कनेक्ट करती है पिस्टन को एंड क्रैंक शाफ्ट को, तो इसका आंसर होगा डी वाला, पिस्टन एंड क्रैंक शाफ्ट। उसके बाद नेक्स्ट होगा 14th नंबर इन SI इंजन टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड फायरिंग ऑर्डर, तो इसके लिए कि ये क्या इंस्टॉल करते हैं, इसके लिए हम करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर इज इंस्टॉल्ड, इसका आंसर होगा बी वाला, डिस्ट्रीब्यूटर इज इंस्टॉल्ड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर, तो आपने देखा होगा गाड़ी वगैरह में जो डिस्टेंस बताता है उसी को ओडोमीटर बोलते हैं, तो जो डिस्टेंस बताता है गाड़ी में, गाड़ियों में यूज़ करते हैं, तो ये किस लिए यूज़ करेंगे, डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए, तो ऑडोमीटर रहता है उसी में, तो ये आपने देखा होगा।
तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे मैकेनिक डीजल के। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर। थैंक यू।